ये चढ़ाई देख रहे हो आप, ये देखो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर इतना ना आपको कैमरे में जस्टिस नहीं हो रहा होगा। मैं आपको सीरियसली बोलूं, ये काफी खड़ी चढ़ाई है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर हिली एरिया पे अगर आप जाते हो ना तो उसमें बहुत ज्यादा खड़ी होती है, बट मैं आपको बताऊं 75% तो खड़ी है। अभी आप देखो ये गाड़ी जा रही है, अभी ये पीछे से I-20 भी जा रही है, आई थिंक ये ऊपर चढ़ेगी, वो रुक गया था। तो चढ़ने में तो दिक्कत होती है, अगर आप गाड़ी यहाँ पर चढ़ा रहे हो तो आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा जिससे आपकी गाड़ी पीछे ना जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी चढ़ाई है, और आपने थंबनेल और टाइटल भी देख लिया होगा वीडियो किस चीज पर रहने वाली है। तो भाई आज हम अपनी अल्टो का पावर टेस्ट करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, मैं आपको अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस पावर टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी स्टार्ट हमारी है ही, हम अपना पहला गियर डालेंगे, क्लच रिलीज करेंगे और एक्सीलरेट नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर, हम क्लच छोड़ के ही गाड़ी को खुद ही चलने देंगे, फिर देखेंगे गाड़ी चढ़ती कहां तक है। अभी जो आगे गाड़ी खड़ी है आपको मैं दिखाता हूं, तो ये XL6 खड़ी हुई है, तो XL6 के बाद फिर भाई अपना इनोवा भी है, उसके बाद पीछे सबसे लास्ट में जो देखो आप स्कॉर्पियो भी खड़ी हुई है। तो क्या अपनी गाड़ी वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो, तो इसलिए कह रहा हूं प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं। भाई ये डाल दिया हमने पहला गियर, अभी जो है हम हैंड ब्रेक डाउन करते हैं। मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा ना, आप ध्यान देना, देखो भाई ये देखो खुद ही जा रही है भाई पीछे, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसका जो है ना क्लच छोड़ता हूँ, क्लच छोड़ने के बाद देखते हैं कि गाड़ी आगे चलती है नहीं चलती है, फिर झटके लेके बंद हो जाएगी। तो भाई अब क्लच छोड़ना स्टार्ट करता हूँ, देख लो भाई मेरा राइट वाला पैर ये रहा, तो भाई गाड़ी तो हमारी चलना स्टार्ट हो गई है और गाड़ी जो है हमारी पहले गियर में, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई ये कहाँ तक चढ़ती है। भाई गाड़ी तो इजीली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट ये हल्का हल्का ना झटके टाइप की ले रही है क्योंकि लोड ज़्यादा है, या तो ये एक्सीलरेट मांग रही है। बट भाई मैंने क्लच भी पूरा छोड़ दिया, ये देखो क्लच भी छोड़ दिया, अब ये देखो झटके लेने स्टार्ट कर दिया इसने, ये देखो गाइस, बट चढ़ रही है XL6 तक तो पहुँच गई, पीछे इनोवा खड़ी है और ये साइड से हमारी गाड़ी गई है भाई हॉर्न मारते हुए, ये देखो भाई ये मैं क्लच पे पैर रखने वाला था बट मैंने रखा नहीं। भाई गाड़ी इतनी चढ़ चुकी है यार, इतना चढ़ चुकी है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, खुद ही चले जा रही है भाई, चढ़ाई पे भी देख लो झटके ले लेके चल रही है बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पैर देखो आप, दोनों के दोनों यहीं पे ही हैं, ये देखो भाई स्कॉर्पियो में बता रहा था ना आपको, स्कॉर्पियो तक पहुंचने वाले हैं। ओ तेरी भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई, सीरियसली भाई साहब, मतलब गाड़ी अपनी एंड तक खुद ही चढ़ गई बिना एक्सीलरेट दिए। ये देखो मेरा पैर देखो भाई, राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों नॉर्मल है पर गाड़ी थोड़े थोड़े झटके ले रही है। अब मैं गाड़ी को कट कर देता हूँ भाई साहब, सीरियसली यार। अब मैं आपको ना ये वाली चढ़ाई दिखाता हूँ, ये आपको जो है ना खड़ी चढ़ाई दिख रही होगी, अब मैं आपको नीचे की तरफ ले जाके दिखाता हूँ कि ये चढ़ाई थी कितनी। तो देखो भाई अभी ये गाड़ी गई है अर्टिगा, अब देखो नीचे उतरने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, अब आप देखो भाई कितनी नीचे है ये चढ़ाई, अब आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं गाड़ी यहाँ पर न्यूट्रल भी छोड़ दूंगा ना, तो गाड़ी देखो हमारी, मैं ब्रेक छोड़ दी और गाड़ी की स्पीड देखो बढ़ती जाएगी, ये देखो 20 पहुंच गई, खुद ही चल रही है भाई, देख लो मेरे पैर देख लो, 40 की स्पीड पहुंच चुकी है गाड़ी की, ये देखो मैंने एक्सीलरेट नहीं किया है, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ जिससे गाड़ी भाई अपनी रुक जाए। तो भाई गाड़ी लगा लेते हैं अब यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी यार ये गाड़ी अपना उस चढ़ाई पे बिना एक्सेलरेट दिए चढ़ जाएगी, भाई साहब मानना पड़ेगा। 800 सीसी इंजन है भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। बस मेरी गाड़ी का जो है ना देखो आप, एसी ऑन है और इसके अलावा मैंने एक बार भी एक्सेलरेट नहीं किया गाड़ी के अंदर, जिससे एक गाड़ी जो है ना एक मतलब पुल हो पाए, ऊपर की तरफ जा पाए, बट गाड़ी में इतना दम है भाई अभी भी, सीरियसली यार मानना पड़ेगा। और गाड़ी अपनी CNG पे चढ़ी है, ये भी देखो भाई, कहीं आपको लगे मैंने पेट्रोल पे चढ़ाई है, अनबिलीवेबल रिजल्ट निकला भाई ये, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो CNG पे भी इसकी पावर ऐसी देखने को मिलती है। तो गाइस अगर आप कहते हैं तो उसका नेक्स्ट टाइम मैं पेट्रोल पे भी पावर टेस्ट करके दिखा दूंगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी CNG पे सीरियसली मजा आ गया भाई वाला पावर टेस्ट करके, और आपने देखा था कि ये रोड कितना ऊपर जा रहा है। नीचे आते टाइम जब मैं इस पे गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ा तो 40 की स्पीड पहुंच गई थी, तो आप ये देख लो कितना ज्यादा चढ़ाई थी। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ भाई मैं, मुझे अच्छा लगता है, आई होप आपको भी ये एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।